मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एमओटी के नाम से जानते हैं, एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इट वाज गिवन बाय, किसने दी थी ये? इट वाज गिवन बाय हंड एंड मुलिकन। किसने दी थी बेटा ये? हंड और मुलिकन ने दी थी बेटा ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्यों दी गई थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी? जैसे इससे पहले अपन ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी है ना, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कोई लिमिटेशन होगी बेटा, इसलिए दी गई है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यस और नो? यस सर। यस सर। नहीं समझे बात? यस तो देखो उसकी क्या लिमिटेशंस थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जैसे ये ऑक्सीजन का डायमैग्नेटिक नेचर बताती है। देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन को अपन ऐसे बनाएंगे ना, ओ डबल बॉन्ड हो, तो देखो जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं बेटा, ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड, ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिक। कैसा बोलते हैं उस सब्सटेंस को? डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। और अगर एक भी इलेक्ट्रॉन, इफ इवन वन इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, डायमैग्नेटिक, एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो उसको बोलेंगे बेटा हम पैरामैग्नेटिक। तो बताओ ऑक्सीजन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग डायमैग्नेटिक होना चाहिए ना? यस सर। यस सर। सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अकॉर्डिंग टू वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इट शुड बी डायमैग्नेटिक। बट इट इज पैरामैग्नेटिक। लेकिन क्या है बेटा ये? पैरामैग्नेटिक है, ठीक है? यस सर। उसके बाद देखो, और देखो H2+ का, H2+ एग्जिस्ट करेगा? एग्जिस्ट और नोट बताओ। बोलो बेटा H2+ एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? बेटा हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बताओ? वन। हाइड्रोजन में वन इलेक्ट्रॉन होता है ना? यस सर। यस सर। तो H2 के अंदर दो इलेक्ट्रॉन हो गए, और H2+ प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर रखा है, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रखा है तो कितने बचे बताओ इसके पास? एक ही बचा। तो एक इलेक्ट्रॉन के अंदर पेयरिंग पॉसिबल है क्या? नो सर। बोलो बेटा। नो सर। एक इलेक्ट्रॉन में पेयरिंग पॉसिबल नहीं है तो क्या कहेंगे हम कि ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए? नो सर। यस सर। यस सर। समझ गए बेटा? यस सर। यस सर। लेकिन ये एग्जिस्ट करेगा, इट एग्जिस्ट, इट एग्जिस्ट। देखो अब उसको एमओटी एक्सप्लेन करेगी। देखो बेटा कार्बन जो है, मैंने एक बात बोली थी जब सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में डिफरेंसेस लिखवाए थे, तो कि सिग्मा कैन एग्जिस्ट विदाउट पाई बोला था बेटा। यस सर। बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। तो एमओटी कुछ पाई बॉन्ड्स एग्जिस्ट करेंगे बिना सिग्मा के, बट अकॉर्डिंग टू एमओटी पाई बॉन्ड्स एग्जिस्ट विदाउट सिग्मा इन गैसियस स्टेट।
गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, वो अपन डिस्कस करेंगे बाद में। तो देखो उसके अंदर तो हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कंसेप्ट पढ़ रहे थे ना। तो देखो नाम जैसे एज द नेम इंडिकेट्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो मतलब जब मॉलिक्यूल बनता है तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं एंड दे फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स, तो उनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। देखो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल एटॉमिक ऑर्बिटल्स loses their identity, atomic orbitals अपनी identity को क्या कर देंगे, lose कर देंगे and forms new molecular orbitals। समझ गए बेटा क्या बनाएंगे वो नए orbitals, molecular orbitals। जब भी कोई मॉलिक्यूल बनेगा तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देंगे और क्या बना लेंगे, नए ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बोलो समझ में आया नहीं आया? जैसे आप देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स किस तरीके से फॉर्म होंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो इन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे उनके अंदर जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में साइलेंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था ना अपन ने, उस तरीके से कुछ फीचर्स डिस्कस करते हैं इनके, कि जनरल फीचर्स और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जनरल फीचर्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम एमओ से रिप्रेजेंट करेंगे शॉर्ट में, एमओ। देखो बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनेंगे, ये बनेंगे भाई ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ ऑलमोस्ट सेम एनर्जी, ठीक है, दे आर फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ ऑलमोस्ट सेम एनर्जी, जिनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए लगभग सेम सेम। समझ गए बेटा? अब जैसे उसमें एक फैक्टर पढ़ा था ना हमने हाइब्रिडाइजेशन में, कि हाइब्रिड ऑर्बिटल इतने ही बनेंगे जितने प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इंटरमिक्सिंग होगी। तो इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड कितने बनेंगे इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्सिंग या ओवरलैपिंग, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इंटरमिक्सिंग होगी बेटा इतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, इंटरमिक्सिंग और वी कैन से ओवरलैपिंग। जैसे दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग हो रही है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे बेटा, दो बनेंगे, एक में हो रही दो, मिनिमम दो में होगी इसके अंदर जैसे। तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देखो दो तरीके से होगी ओवरलैपिंग, उसके अंदर जो बॉन्डिंग होगी ओवर जो मिक्सिंग होगी अप्रोच होगी उसमें दो तरीके से होगी, एक तो इन द सेम वेव फंक्शन और एक अपोजिट वेव फंक्शन। तो ओवरलैपिंग अगर सेम फेज में हो सेम फेज प्लस प्लस सेम साइन में सेम वेव फेज, देखो इलेक्ट्रॉन्स का वेव नेचर होता है ना बेटा, तो सेम वेव फेज में हो तो उनसे कौन से ऑर्बिटल्स बनेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। दीज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होंगे ये दीज आर लोअर इन एनर्जी, इनकी एनर्जी प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या होगी। देखो मॉलिक्यूल क्यों बन रहा है, मॉलिक्यूल मोर स्टेबल बन रहा होगा ना बेटा एटम्स से। यस सर।
तो इनकी एनर्जी लोअर होगी, दे आर लोअर इन एनर्जी। और अगर ओवरलैपिंग हो अपोजिट फेज में, अपोजिट फेज में होगी बेटा, तो अपने पास बनेंगे एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की क्या होगी, हाई एनर्जी। बोलो बेटा, ये जनरल बात है, समझ में आई या नहीं आई? अब देखो, जो अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं, जब तीन रूल्स को फॉलो करते हैं, ऑफ वो प्रिंसिपल, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यस और नो? तो इसके अंदर भी व्हाइल फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स, जब हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो इन तीनों प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे हम। सो व्हाइल फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स, इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जब इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, देन द थ्री प्रिंसिपल्स विच आर यूज्ड फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर फॉलोड। वो फॉलो होंगे बेटा, कौन कौन से? एक तो फर्स्ट है अपना ऑफ वो प्रिंसिपल, सेकेंड इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एंड थर्ड इज हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये तीनों रूल फॉलो होंगे बेटा इसके अंदर। देखो, एक तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऑफ वो प्रिंसिपल एंड हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है बेटा? देखो, ऑफ वो प्रिंसिपल ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम वैल्यूज फॉर ऑल फोर क्वांटम नंबर्स। और हंट्स रूल ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट स्टार्ट पेयरिंग अनलेस एंड अंटिल ऑल द ऑर्बिटल्स आर सिंगली ऑक्यूपाइड। जब तक सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन सिंगल ना आ जाए, जब तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी। तो ये तीनों रूल हम फॉलो करेंगे जब इलेक्ट्रॉन्स फिल करते टाइम। अब देखो, अपने पास दो मेन आ गए इसमें, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो देखो, इनके बीच में डिफरेंसेस नोट करते हैं हम। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। देखो बेटा, जैसे कि हमने फर्स्ट इसके अंदर डिफरेंस नोट किया था, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स अपने पास बनेंगे, दे आर फॉर्म बाय सेम फेज वेव कॉम्बिनेशन, यस और नो? दे आर फॉर्म बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन सेम फेज। और ये बनेंगे बेटा अपने पास फॉर्म्ड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन अपोजिट फेज। अपोजिट फेज मतलब एक वेव फंक्शन प्लस में होगा तो दूसरा माइनस में होगा, एक माइनस में होगा तो दूसरा प्लस में होगा।
देखो कैसे बेटा, इसमें वेव फंक्शंस को हम ऐड करेंगे, वेव फंक्शंस एडेड, और इसके अंदर वेव फंक्शंस सब्ट्रैक्टेड, वेव फंक्शन सब्ट्रैक्टेड होंगे। देखो बेटा कैसे ऐड होंगे, जैसे साई जो है, साई को हम चार्ज डेंसिटी मानते हैं ऑर्बिटल का, तो वेव फंक्शन को जो नेट वेव फंक्शन होगा अपने पास, जैसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल का, तो उसको मान लेंगे दो वेव फंक्शन है, एक तो ए और एक बी, तो नेट क्या आ जाएगा अपने पास, साई ए प्लस साई बी, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल हो गया, साई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल हो गया ए बी एम ओ, ये हो गया अपने पास बी एम ओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल, तो ए बी एम ओ बनेगा बेटा साई ए माइनस साई बी, इनमें वेव फंक्शन सब्ट्रैक्ट होंगे और उसमें वेव फंक्शंस ऐड होंगे। अब जैसे दो वेव्स हैं, तो देखो वेव्स का जो वेक्टर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अपन उसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ साई बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस टू साई ए साई बी कोस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेव फंक्शंस, तो ये सेम फेज में है तो कोस थीटा जीरो हो गया, तो ये वन हो जाएगा या नहीं होगा बेटा इसमें, बोलो थीटा जीरो डिग्री होगा सेम फेज में, तो सेम फेज में जीरो डिग्री होगा, तो साई बी के स्क्वायर को हम क्या कह सकते हैं, साई ए स्क्वायर साई बी स्क्वायर प्लस टू साई ए साई बी, यस और नो? Yes, अब इसमें देखो बेटा अपोजिट फेज में, तो अपोजिट फेज में थीटा इसमें 180 डिग्री हो जाएगा, yes, sir. तो नेट रिजल्टेंट साई बी स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा, साई ए बी एम ओ, उसको हम ये कह सकते हैं साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस टू साई ए साई बी, यस और नो? यस सर। यस सर। बोल सकते हैं नहीं ऐसे? यस सर। तो ये हो गया एंटी बॉन्डिंग और ये हो गया बॉन्डिंग। अब देखो बेटा बॉन्डिंग के अंदर कोई भी नोड नहीं होगा, नोड का मतलब होता है सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया था हमने, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग आउट इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है, जीरो, यस और नो? वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग आउट इलेक्ट्रॉन्स इज जीरो। तो देखो थर्ड, इनको जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर दे हैव नो नोड, इनमें कोई नोड नहीं होगा बेटा इसके अंदर, और इनके अंदर दो न्यूक्लियाई के बीच में दे हैव ऑलवेज हैव नोड बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, हैव नोड बिटवीन टू न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई के बीच में नोड होगा बेटा इनके अंदर। देखो इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा और पाई से, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा और पाई से, पाई, और एंटी बॉन्डिंग को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार, ठीक है बेटा। देखो अब बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ये होंगे मोर स्टेबल, तो मोर स्टेबल होंगे तो लोअर एनर्जी देन प्योर ऑर्बिटल्स, लोअर एनर्जी देन प्योर ऑर्बिटल्स और प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यहाँ पे जो फिफ्थ होंगे बेटा अपने पास ये लेस स्टेबल, लेस स्टेबल होंगे तो ये क्या होंगे, हायर एनर्जी, इनकी एनर्जी क्या होगी, हायर एनर्जी देन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से हायर एनर्जी होगी इनकी, समझ गए बेटा, ये डिफरेंसेस है इनके अंदर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर। अब देखो ये किस तरीके से बनेंगे, जैसे सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनेंगे बेटा, सेम वेव को एक्सियल ओवरलैपिंग से बनेंगे सिग्मा, और कोलैटरल से क्या बनेंगे,
कोलेटरल और साइडवाइज ओवरलैपिंग से क्या बनेंगे, पाई। तो देखो ये सिग्मा और पाई, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस हुआ बता सकते हो? देखो एक तो है अपने पास एटॉमिक ऑर्बिटल, और दूसरा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बोलो बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स तो पढ़े हुए हैं आप लोगों ने, बताओ क्या डिफरेंस होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स अभी अपन ने पढ़े ही हैं। देखो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड होता है वो एक न्यूक्लियस के अराउंड होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड वन न्यूक्लियस, तो एक न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, तो हम इनको बोल सकते हैं मोनोसेंट्रिक। कैसे होंगे ये? मोनोसेंट्रिक। और इसके अंदर मॉलिक्यूल जब बनेगा, तो मॉलिक्यूल बनेगा तो इसके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस होगा या नहीं होगा? तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा अराउंड टू न्यूक्लियाई, तो इसको हम बोलेंगे पॉलीसेंट्रिक। देखो एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? SPDF से रिप्रेजेंट करते हैं। यस सर। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सिग्मा एंड पाई, सिग्मा पाई, सिग्मा स्टार, पाई स्टार। यस और नो? यस सर। तो देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्यों बन रहे हैं? क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मोर स्टेबल हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स से, तो ये लेस स्टेबल होंगे। लेस स्टेबल होंगे तो एनर्जी क्या होगी इनकी? लेस स्टेबल मोर एनर्जी, और ये मोर स्टेबल होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। देखो इनमें शेप्स जो SPD ऑर्बिटल्स की अलग अलग शेप होगी ना बेटा, तो SPD ऑर्बिटल्स जो हैं उनकी सिंपल, जैसे सिंपल स्पेरिकल शेप, डम्बल शेप, डबल डम्बल शेप, इनकी सिंपल शेप होगी। और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की क्या होगी बेटा? इनकी कॉम्प्लेक्स शेप्स होंगी। समझ गए? यस सर। अब देखो इनको मतलब कंबाइन कैसे करेंगे, जैसे अपन ने वो उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन के अंदर करे थे ना बेटा, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर सेम फेज ओवरलैपिंग, अपोजिट फेज ओवरलैपिंग। बोलो। देखो शेप एटॉमिक ऑर्बिटल्स की शेप, ये सॉरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। देखो बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को कैसे बनाएंगे हम, कि जैसे 1s 1s ऑर्बिटल है, जैसे हाइड्रोजन का ही मॉलिक्यूल बनाना है अपने को, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाना है तो देखो ये 1s ऑर्बिटल हो गया, एक 1s का ऑर्बिटल। अब सेम फेज में ओवरलैपिंग कर रहे हो तो इसको प्लस साइन से मान लो, ये 1s है प्लस, ये भी सेम फेज में, ये अंदर जो प्लस है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? एडिटिव वेव फंक्शन। किसको कर रहा है? एडिटिव वेव फंक्शन। तो देखो सेम फेज में जब होगा तो सेम फेज में इससे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, तो सेम फेज में जो ऑर्बिटल बनेगा उनमें ये देखो इस तरीके से बना देंगे हम इसको, और ये दोनों पॉजिटिव सेंटर में आ गए अराउंड द न्यूक्लियाई। अब देखो अपोजिट फेज में हो, अपोजिट फेज का मतलब एक का प्लस हो और एक का क्या हो, माइनस हो, तो देखो जो प्लस का होगा वो तो ऐसे आ जाएगा, ये तो हो गया प्लस, और ये इनके बीच में हो गया नोडल प्लेन, और ये हो गया माइनस। तो देखो ये कोएक्सियल ओवरलैपिंग हो रही थी तो ये 1s 1s में हुआ है, तो ये सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया BMO। इसमें अपोजिट फेज में हुआ है तो ये किसकी शेप होगी, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम सिग्मा स्टार 1s, तो ये क्या बना अपने पास? ABMO। समझ गया बेटा? बोलो। यस सर। ये बीच में क्या हो गया इसके अंदर?
नोडल प्लेन, नोडल प्लेन मतलब जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग आउट इलेक्ट्रॉन्स इज जीरो। बोलो बेटा क्लियर है या नहीं ये बात? यस सर। ये इनके दो yes, के क्या हो गए, ये न्यूक्लियस हो गए। और ये पॉजिटिव साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे? पॉजिटिव साइन मतलब सेम फेस। और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मतलब किस में जो कंबाइन हुए हैं वो कैसे कंबाइन हुए? अपोजिट फेज में। अपोजिट फेज। अब देखो मान लो कि ये कोएक्सियल ओवरलैपिंग थी तो एस एस में होगी तो हमेशा ऐसा बनेगा। अब मान लो पी पी में, जैसे टू पी जेड के अंदर करानी है तो पी ऑर्बिटल्स डंबल शेप के होते हैं। देखो ये डंबल शेप का एक पी जेड ऑर्बिटल बना लिया, टू पी जेड। देखो सेम फेज में बनाने बेटा, तो सेम फेज में ये प्लस और ये क्या हो गया माइनस। अब इसके साथ जो कंबाइन होगा दूसरा उसमें भी सेम साइन रखना है आपको, प्लस का मतलब सेम फेज में। ये सेंटर में इनका न्यूक्लियाई हो गया, ये टू पी जेड। तो देखो बेटा इसमें जब सेम फेज में ओवरलैपिंग होगी तो सेम फेज से इससे बनेगा जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो जो बीच बीच में जो पॉजिटिव साइन है उसको ज़्यादा इंक्रीज से शो कर देंगे ऐसे, इसमें बल्ज्ड आउट। ये तो हो गया नेगेटिव और ये यहाँ पे पॉजिटिव अराउंड द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स। समझ गए? ये न्यूक्लियाई yes, को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनके अंदर। यस सर। समझ गए बेटा? तो ये कौन सा बना? देखो टू पी जेड, टू पी जेड में बना था तो सेम फेज में बन रहा है तो क्या कह देंगे इसका? सिग्मा, सिग्मा टू पी जेड। यस और नो? यस सर। अब देखो अपोजिट फेज में हो, एक को ये ऐसे बना दिया हमने, ये प्लस माइनस टू पी जेड में। माइनस प्लस टू पी जेड। अब इसमें रिपल्सिव इंट्रैक्शंस होंगी बेटा। तो ये ऊपर वाला बना था अपना बी एम ओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा टू पी जेड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखो इसमें अपोजिट फेस से हो गया तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। yes, तो देखो रिपल्शन से ये तो हो गया, ये पॉजिटिव पार्ट इसका और ये है नेगेटिव, और ये यहाँ पे क्या आ गया इसके बीच में? नोडल प्लेन। और ये यहाँ पे ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये कौन सा ऑर्बिटल बन गया? दिस इज सिग्मा स्टार टू पी जेड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट? यस सर। बोलो बेटा आसान yes, है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी है, वो थ्योरी पढ़ी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसके जैसे ही है। यस सर। यस। अब देखो नेक्स्ट, ये तो थी बेटा कोएक्सियल। अब देखो साइड वाइज ओवरलैपिंग हो तो साइड वाइज देखो पीएक्स पीएक्स में हो, ये टू पी एक्स है तो ये ऊपर प्लस माइनस, ये टू पी एक्स प्लस और माइनस, तो सेम फेज में ही। तो देखो यहाँ पे एडिटिव वेव फंक्शन बनेगा इसमें, पी ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव ये नेगेटिव। देखो बेटा पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव नेगेटिव, तो ये ऊपर की साइड में हो गया प्लस प्लस और ये नीचे की साइड में क्या हो गया? माइनस माइनस माइनस। ठीक है बेटा? तो देखो टू पी जेड टू पी एक्स के बीच में साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई है, तो साइड वाइज ओवरलैपिंग से कौन से बनते हैं? पाई बनते हैं। तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है तो इसको क्या कह देंगे? पाई टू पी एक्स। यस और नो? अब देखो एंटी बॉन्डिंग पाई टू पी एक्स बी एम ओ बोलेंगे इसको हम, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखो एक अपोजिट कर दो बेटा इसमें, यो प्लस माइनस, दिस इज टू पी एक्स प्लस माइनस प्लस, अपोजिट फेस में हो गया ना बेटा ये। तो देखो अपोजिट फेस में जब ओवरलैपिंग होगी तो यहाँ पे इसको बीच में तो ये इंटरमीडिएट प्लस माइनस से शो कर देंगे। मैं फाइनल बना रहा हूँ इसके अंदर,
फाइनल ये इधर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव बना देंगे, ये इधर नेगेटिव है तो नेगेटिव, ये बीच में नोडल प्लेन हो गया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इसको बोलेंगे हम पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2px एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ABMO। ये है बेटा बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, समझ गए? यस सर। देखो इसके अंदर वही, अब इसके अंदर बहुत आसान है बेटा, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर जैसे तुम उसमें इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग बनाने हैं आपको, वही सारे प्रिंसिपल इसमें फॉलो करने हैं। बस एक दो एग्जांपल्स ही करवाऊंगा मैं अभी इसमें आज आपको, फिर बाकी कल डिस्कस करेंगे। देखो फॉर एग्जांपल एनर्जी लेवल डायग्राम्स बनाने हैं इनके, तो एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने के लिए जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाना है अपने को, तो हाउ इट रिप्रेजेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। देखो बेटा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम की कॉन्फ़िगरेशन लिख लो सबसे पहले आप, तो 1s1 हुई, बोलो yes, तो 1s, देखो बेटा ये 1s ऑर्बिटल बना लिया आपने, सिंगल डिजेनरेट ऑर्बिटल होता है 1s, और ये दूसरे एटम का 1s ऑर्बिटल आ गया आपके पास। देखो बेटा 1s में 1-1 इलेक्ट्रॉन है ना दोनों में, अब देखो yes, दोनों में सेम फेज में ओवरलैपिंग हुई, तो सेम फेज में ओवरलैपिंग होगी तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा या नहीं बनेगा इससे? ये बन गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इसका नाम क्या हो गया? सिग्मा 1s, यस और नो? देखो अपोजिट फेज में हुई, तो अपोजिट फेज में बॉन्डिंग से क्या बन गया अपने पास? सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। देखो बेटा ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी होगा, एनर्जी का ऑर्डर है। अब देखो ये प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे 1s 1s, और ये बॉन्डिंग बना, तो देखो 1s 1s से इनकी 1s सिग्मा 1s की एनर्जी लोअर हुई या नहीं हुई? लोअर होगी ना बेटा, बेटा एनर्जी देखो ना यहाँ से देखो, ये जो है यहाँ पे बीच में ये एनर्जी लेवल हो गया, ये तो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी थी यहाँ पे, तो अब उससे नीचे होगी ना बॉन्डिंग की एनर्जी, ये BMO है, तो BMO इज लोअर इन एनर्जी, और ये कौन सा बना बेटा? ABMO, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की हायर एनर्जी आई या नहीं आई? अब देखो ओब्बो प्रिंसिपल ये कहता है इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स, तो पहले लोअर एनर्जी में आएंगे या हायर में? पहले लोअर में, लोअर। तो एक इलेक्ट्रॉन देखो आप स्पिन, अब पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग दूसरा सेम स्पिन का नहीं हो सकता इलेक्ट्रॉन, तो दूसरा क्या आएगा फिर? ये डाउन स्पिन, समझ गए? फिर इससे हम कैलकुलेट करते हैं बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स, बॉन्ड ऑर्डर BO, इट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स, दो एटम्स के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अब देखो बेटा बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, बॉन्ड ऑर्डर बराबर होता है हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बेटा बताओ इसमें हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या आया? देखो हाफ 2 - 0, तो 1 आ गया ना इसमें, तो हाइड्रोजन के बीच में देखो 1 ही बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, यस सर। और देखो अगर बॉन्ड ऑर्डर नॉन जीरो होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर नॉन जीरो होगा तो हम क्या कह सकते हैं, मॉलिक्यूल और आयन एग्जिस्ट करेगा? यस सर, बॉन्ड ऑर्डर नॉन जीरो मींस मॉलिक्यूल और आयन एग्जिस्ट, वो बॉन्डेड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। और अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इफ इलेक्ट्रॉन इज अनपेयर्ड, पैरामैग्नेटिक
अनपेड है तो उसको क्या बोलेंगे हम? पैरामैग्नेटिक। और इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे तो बेटा क्या बोलेंगे उसको हम? डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। देखो फिर बॉन्ड एनर्जी बता सकते हैं, देखो दो एटम्स के बीच में जितने बॉन्ड्स जितने ज्यादा होंगे तो बॉन्ड एनर्जी इतनी ज्यादा होगी या कम होगी? बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा होगी ना बेटा? यस सर। बॉन्ड एनर्जी, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स, तो बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। यस सर। अब देखो नंबर ऑफ बॉन्ड्स दो एटम्स के बीच में जितने ज्यादा होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ही ज्यादा होगा, तो ये कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बोलो बेटा ये कंसेप्ट लगा सकते हो या नहीं? यस सर। अब देखो यस सर, अपन ये इसके अकॉर्डिंग कैसे बताएंगे हम H2+ का मॉलिक्यूल, हाउ इट एग्जिस्ट। अब देखो हाउ H2+ एग्जिस्ट, देखो बेटा H2+ के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इसकी H2+ के अंदर एक तो H+ हो गया अपने पास और एक H+ की कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s0 और H की कॉन्फ़िगरेशन होगी बेटा 1s1। यस और नो? यस सर। अब देखो ये हमने 1s बना लिया एक का, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमने जीरो कर दिया, फिर इसमें सेम फेज में ओवरलैपिंग होगी तो ये बन गया अपने पास σ1s और अपोजिट फेज में कॉम्बिनेशन से लीनियर कॉम्बिनेशन से क्या बन गया? σ*1s। देखो इसमें वन इलेक्ट्रॉन है या नहीं है एक में? यस सर। यस सर। तो ये इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड ऑफ बो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, तो देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा बेटा? बॉन्ड ऑर्डर बराबर हाफ 1-0, तो बराबर हाफ आया है, नहीं आया? यस सर। ये नॉन जीरो है, नॉन जीरो है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। यस सर। मॉलिक्यूल एग्जिस्ट। और ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक, बिकॉज़ वन इलेक्ट्रॉन इज अनपेयर्ड। अब देखो हीलियम का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता ना बेटा? नो सर। देखो नो सर, एमओटी से प्रूव करेंगे हम हाउ हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। देखो Hc2 का बनाना है बेटा, Hc2 एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज इसका बॉन्ड ऑर्डर हम कैलकुलेट करेंगे जीरो आएगा। देखो बेटा हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन लिख लो सबसे पहले एटॉमिक ऑर्बिटल की, 1s2 होती है। तो देखो ये तो हीलियम के एक एटम की होगी 1s2 कॉन्फ़िगरेशन, तो सेम फेज में कॉम्बिनेशन से क्या बन गया अपने पास? ये σ1s और अपोजिट फेज में कॉम्बिनेशन से क्या बन गया ये बेटा? σ*1s। अब देखो ओबो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया अपना, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स लो एनर्जी ऑर्बिटल में आएंगे, तो देखो एक इस एटम से इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इस एटम से इसमें आ गया, दो इलेक्ट्रॉन भर गए, एक एक बच गया इसमें, एक एक ये हाई एनर्जी ऑर्बिटल में चले जाएंगे, तो देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या आया अपना इसमें? बॉन्ड ऑर्डर बराबर हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स टू माइनस टू, तो 0/2 जीरो आ गया, नहीं आया? यस। दैट इज व्हाई Hc2 डज नॉट एग्जिस्ट। समझ गए बेटा? यस सर। यस। रेस्ट एग्जांपल्स वी विल डिस्कस टुमारो। ओके ओके सर। ओके थैंक यू सर।